बचा है, बेच निकाल। रात के 12 बजे के बाद दारू बेचने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। अरे तू तू तो अपने अड्डे का मेरा दिल तू थाने तक। अरे बाबा क्या जच रहा है इस वर्दी में? ए, ये वर्दी किराए से लेकर आया है या सचमुच पुलिस अफसर बनकर आया? ए छोकरे, ये वर्दी असली है और ये पुलिस अफसर भी असली है, समझी? अच्छा अच्छा हाँ। बाजी ड्यूटी पर आया हूँ इस इलाके में। कमाल, बीच में बोलने का नहीं, मगर बोलने का नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं? इस इलाके में हाँ, हाँ। सोचा सबसे पहले किस पर अपना धौंस जमाऊं। मेरे दिमाग में तेरे अलावा कोई बैठा नहीं, इससे सीधा आके तेरे पे वो हथकड़ी बैठा दिया। चल पुलिस स्टेशन। अच्छा अच्छा तो तू मेरे को पुलिस स्टेशन लेकर जाएगा? और नहीं तो क्या, हवालात और जेल की हवा खिलाएगा? हाथ नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का ऑफिसर को। दार्जिलिंग और कश्मीर से अच्छा आबो हवा अपनी जेल का है, भोकट का छत और 2 टाइम का खाना मिलता है, साथ में मैं भी उधर रहूंगा। चल। अरे अरे वाह मिया, आज वर्दी पहन को आया तो पुलिस वालों की तरह आकर रहा है, अपना औकात दिखा रहा है। औकात? अगर मुझे अपनी औकात दिखानी होती तो मैं इस तरह का मजाक नहीं कर रहा होता। जिस तरह का तू धंधा चलाती है सीधा अंदर कर देता। हो मिया, काय को नहीं अंदर करेगा। जिस पुट्टी का बाप उसके जवान होने से पहले ही उसे अकेला छोड़कर गॉड के पास चला गया हो तो उसे हवालत में बंद करेगा ना? हर इस रोजी ने रोजी रोटी कमाने को अपनी इज्जत बचाने की खातिर आज तक ये धंधा किया। मैंने तो सोचा था कि तू कभी जिंदगी में मेरा सहारा बनेगा, मुझे प्यार देगा, पर अब तो प्यार के नाम से मेरा भरोसा ही उठ गया। प्यार के नाम से तेरा भरोसा उठ गया, पर जिस काम से तेरा प्यार बदनाम हो रहा है उसकी तो तुझे परवाह ही नहीं। तू क्या समझती कि तू जो करती है वो मुझे पसंद है? एक बात और बताता हूं, जिस दिन तू ये धंधा छोड़कर चली आएगी ना, तुझे तेरा प्यार और उसका सहारा दोनों मिल जाएगा, याद रखना। अगर सहारा ही देना था तो क्या समझकर इतना रुलाया है मेरे को? लगता है मेरे को सच बहुत प्यार करता है। खाकान जिंदा है या मर चुका है अभी तक अपना डिपार्टमेंट इस बात का पता नहीं लगा सका है। सर, खाकान हजार शैतानों का एक शैतान है, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है वो। वो या तो अंडरग्राउंड हो गया है या ये शहर छोड़कर भाग गया है। इन हालात में हम लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं सर, थोड़ी सी अदाकारी करनी पड़ेगी। वो जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आंख बिचोली खेल रहा है उसी तरह हमें भी दिखाना पड़ेगा कि हमने आंख पे पट्टी बांध ली, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। और जिस दिन वो अपने बिल से बाहर आएगा हम उसे दबोच लेंगे। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, लेकिन इस बार आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ एक नया मगर जाबाज पुलिस ऑफिसर होगा। कौन सर? अंधे नहीं? यस सर। इंस्पेक्टर देव को अंदर भेज दो। मैं कमिंग सर। डू कम इन इंस्पेक्टर देव। सर देव, सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर खान। सर यंग एंड ब्रिलियंट इंस्पेक्टर देव। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे मिलकर बड़ा फक्र हो रहा है सर, वो इसलिए कि आप पुलिस डिपार्टमेंट की शान है, वफादारी और बहादुरी की मिसाल है आप। इंस्पेक्टर देव, अगर तुम मुझे मिसाल समझते हो तो मैं चाहूंगा कि एक दिन ये मिसाल तुम बनकर दिखाओ। ऑल द बेस्ट। Thank you.
दुश्मनदारी में एक दूसरे को तसल्ली देने से कुछ नहीं होगा बेटे। दुश्मनों के ग्रोह में रहने वाले हमारे सबसे खास आदमी ने यह खबर भेजी है कि आज रात भोला पांडे के आदमी जेल में खाकान को खत्म कर देंगे। मैं उस जेल पर गोलियों की बारिश कर दूंगा, लाशों के ढेर लगा दूंगा, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को उजार कर रख दूंगा और पापा को जेल से बाहर निकाल लाऊंगा मैं। मेरे होते हुए तुझे कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। मैंने तेरे डैडी का बहुत नमक खाया है, उसमें से थोड़े से नमक का हक अदा करने का मौका जिंदगी में पहली बार आज मिला है। अरे अंकल की पहनाई वर्दी आज काम में नहीं आएगी तो कब काम में आएगी? तुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाप की मौत के आंसू में कितनी तकलीफ होती है। मैंने बचपन में आंसू बहाए हैं, मगर तुझे मैं आंसू बहाने नहीं दूंगा। लग गया तीर निशाने पर। रुको हवलदार। जी साहब। थाली चेक कर लेने दो। जी। वो क्या है कि खतरनाक मुजरिमों की थाली में भी कोई चाल हो सकती है। कौन है? अबे उधर क्या देख रहा है, जा अपना काम। अच्छा सर। तू समझा नहीं पूर्वे, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए। क्या मालूम किस वक्त क्या कर रहे हैं। खुशी की बात तो यही है कि जौन दिन उस सुसरा गिरफ्तार हुआ था, हम जान गए थे कि ऊ की जिंदगी का मरकस हमारी हथेली में है। कानून उसे नहीं मार सकेगा। बच गवाओ, भाग गवाओ, बचे के खातिर नहीं, मरे के खातिर। वो भी हमरे हाथ से मिलते ही मार डालेंगे साले को हम। ये दिखने में तो असली गोलियां हैं, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक इन गोलियों में वो बारूद था जो सिर्फ धमाका कर सकती थी, जख्मी नहीं कर सकती थी। कौन सी गोली सर? ये वो गोलियां हैं जो तुमने खाकान पे चलाई थी। ऐसे कैसे कैसे हो सकता है सर, मेरी पिस्तौल में नकली गोली कैसे आ सकती है? जी आई नहीं, लाई गई थी। दोस्ती का हाथ लाया था, यार की यारी लाई थी। जब मैंने इन गोलियों की छानबीन की तो साथ में थोड़ी सी दोस्ती की भी छानबीन कर डाली, तो पता चला कि खाकान का बेटा गौरव तुम्हारे बचपन का दोस्त है। ऐसे दोस्त हैं आप लोग के, एक दूसरे के लिए जान की बाजी तक लगा सकते हैं। एक बार उसने तुम्हारी जान भी बचाई थी सुना, और यह भी सुना है कि तुम्हारी माँ उसको अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती है। जी तुम फंस तो गए हो, झूठ मत बोलो। दुनिया का कोई कानून तुम्हें बचा नहीं सकता है। जी मैं गौरव को जानता हूँ सर। मैं बैठो 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 बैठो। जी ऊपर वाले को मानते हो? जी सर। तुम्हें पता है ऊपर वाले ने जब इंसान को इस दुनिया में भेजा तो उसको अलग अलग सरहदों में, हदों में और मर्यादाओं में बांट दिया। खासकर ये जो चीज पैदा की है ना, जिसको हम दोस्ती, प्यार और मोहब्बत कहते हैं, मगर इसकी बड़ी सख्त सरहदें बांध दी हैं। देखो ना, तुम मोहब्बत अपने दोस्त से भी करते हो, अपनी बीवी से भी करते हो, अपनी मां से भी करते हो, मगर दोस्ती का रंग अलग है, बीवी की मोहब्बत का रंग अलग है और मां की मोहब्बत का रंग अलग है।
कल अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे कहे कि तुम अपनी माँ का गला काटकर उसका खून लाकर मेरे माथे पर तिलक की तरह लगा दो, लगाओगे? या तुम्हारी बीवी तुमसे कहे कि माँ का कलेजा चीर कर उसका खून लाकर सिंदूर की तरह मेरी मांग में सजा दो, सजाओगे तुम? नहीं सजाओगे। उसी तरह मेरे दोस्त, जो ईमानदार ऑफिसर होता है उसके लिए उसका फर्ज जो होता है उसकी मां की तरह होता है, मां की तरह होता है। और तुमने क्या किया? तुमने खंजर लेकर मां के सीने में वो खंजर भोंक दिया और उसका खून लेकर अपने दोस्त के माथे पे तिलक लगा दिया। ये जुर्म है, गुनाह है, ऐसा गुनाह है जिसकी कहीं माफी नहीं है, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। मगर मैं एक अलग किस्म का इंसान हूं। मैं गुनहगार को सजा देने से पहले सुधरने का एक मौका जरूर देता हूं। सुनो, तुम्हें भी एक मौका दूंगा। तुम यहां से जाओ, अकेले में बैठो, अपने मन को टटोलो, अपनी जमीर, अपनी आत्मा से पूछो कि जो कुछ इस इंसान ने कहा है वो बात सच है, सही है या गलत है। और अगर सच लगे तो अपने फर्ज को अपनी मां समझकर कल से ईमानदारी से निभाना शुरू कर देना। और अगर लगे कि मैंने बकवास की है तो मेरी बात को ठुकरा देना और इस वर्दी को निकाल के फेंक देना। फैसला तुम्हारे हाथ में है।